क्या होगा अगर आपको आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट से बैन कर दिया जाए? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप अगर सभी अकाउंट से बैन हो जाएंगे तो बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का एक सोशल मीडिया नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जी हां, आपने सही सुना, पिछले साल उनको फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से परमानेंटली बैन कर दिया था, और इसी वजह से अब उन्होंने अपने खुद का ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल। और इसका रीज़न ये है कि उनका कहना है ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सप्रेस करते हैं फ्री स्पीच को, और इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको बोलने का हक है। तो उनका जो ये नया ऐप है इसमें उनका कहना है कि सभी लोग कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं ओपनली, क्योंकि ये सभी के लिए इक्वल होगा। चलिए अब बात करते हैं इस ऐप के बारे में। ये जो ट्रूथ सोशल ऐप है इसको बनाया है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने, और ये संडे को लॉन्च हो चुका है एप्पल के ऐप स्टोर में, लेकिन प्ले स्टोर में कब लॉन्च होगा इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया है उन लोगों ने। और लॉन्च के बाद ही जो भी यूज़र्स इसको डाउनलोड करने गए थे उनमें से ज़्यादातर यूज़र्स को ये नोटिफिकेशन शो हुआ कि हाई डिमांड के कारण आप ये ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो ऐप है बहुत ही पॉपुलर है, और जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तब शायद ये बहुत सारे यूज़र्स को अपने तरफ कम टाइम में ले आएगा। तो अभी कुछ इन्वाइटेड लोग ही ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मार्च के एंडिंग तक शायद ये एटलीस्ट अमेरिका में पूरी तरीके से लॉन्च हो जाए, और ग्लोबल लॉन्च भी उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि क्या ये ट्विटर को टक्कर दे पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ऐप इसमें पोटेंशियल है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।